हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्रू किंगडम में। और आज हम जानने वाले हैं गूगल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही गूगल जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो क्या आप किसके बारे में कुछ सच्चाई जानते हैं? आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्या आपको पता है गूगल हमारे कुछ डेटास, कुछ फोटोज़, कुछ वीडियोस को हमेशा चोरी करते रहता है? वो कैसे, बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहे। आपने यह कभी सोचा है कि गूगल के पास हमारी पर्सनल जानकारी कैसे चल जाती है? तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण, तो दोस्तों, आपके मोबाइल में तरह तरह के ऐप इंस्टॉल होते हैं जो आपका जरूरी डेटा, जरूरी फाइल्स, फोल्डर हमेशा चोरी करते रहते हैं। आपका उस ऐप से कोई रिलेशन नहीं होता, वो आपके मोबाइल में कुछ काम भी नहीं करते हैं, वह फालतू में ही आपके मोबाइल को, स्पेस को और आपके डेटास को चोरी करते रहते हैं। जो यहाँ दोस्तों, और वही सारी डेटास को वो गूगल के साथ या बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील करके उसे सेल कर देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ही हानिकारक है। और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह उस डेटा को करप्ट कर देते हैं जो आपके मोबाइल में होती है, और ओरिजिनल डेटा को अपने पास रख लेते हैं और वह उसके लिए अच्छी खासी रकम आपसे मांगते हैं। एक तरह से अगर आप समझ लीजिए तो आपको ब्लैकमेल करते हैं आपके खुद के डेटा से। दूसरा कारण, आप में से लगभग करोड़ों में से करोड़ों लोग जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग में सभी लोग व्हाट्सएप का यूज़ तो करते होंगे, या फिर मैसेज जो आपके मोबाइल में बाई डिफ़ॉल्ट होती है। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में तरह तरह के मैसेज आते हैं, कोई आपके फ्रेंड से, कोई आपका ऐड, या फिर कभी ऐसा मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाले गए हैं, आप उसको इस लिंक पर क्लिक करके रिडीम कर सकते हो। अगर नहीं आया है तो सावधान रहिए, और जिसके पास आ चुका है वो यह जान लीजिए कि ये भी एक तरह से डेटा को चोरी करता है। जैसे ही वह आपके मोबाइल में उस लिंक को भेजता है, अगर आपको यह लालच दिया जाए कि आपके अकाउंट में 4 लाख, 5 लाख रुपए डाले जा सकते हैं, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने डिटेल्स को डाल दीजिए। तो जैसे ही दोस्तों आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, आप उसके गिरफ्त में फंस जाते हो। जैसे ही वह आपका लिंक आपके मोबाइल से एक्टिव होता है, वह आपके मोबाइल में एंटर कर जाता है, आपका मोबाइल उसी वक्त हैक हो जाता है। आप जो भी करते हो, वह आपके डेटास को हमेशा देखते रहता है, वह हमेशा आपके डेटा को चोरी करते रहता है और आपका डेटा को करप्ट करके वह आपसे अच्छी खासी रकम लेते रहता है। और वह, अगर आप उस रकम को देने में असफल रहते हो, तो वह वही डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों, गूगल, फेसबुक या अदर कंपनियों को भेज देता है, जिससे वह उस तरह से भी पैसे कमा लेता है। और अगर आप उससे पैसे दे देते हो तो वह उस तरह से भी आपसे पैसे कमा ही लेता है। जी हाँ दोस्तों, वह भी एक तरह से आपको ब्लैकमेल ही करता है। तीसरा आता है ब्राउजिंग। जी हाँ दोस्तों, आप में से सभी लोग गूगल क्रोम, फेसबुक या फिर अदर कोई भी चीज़ का यूज़ तो करते होंगे। आज के समय में इंटरनेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो चुका है। तो दोस्तों, जब भी आप इंटरनेट पर, मान के चलिए आपने कभी भी किसी भी वेबसाइट पर गए हो, तो आपको एक चीज़ सिमिलर देखने को ज़रूर मिली होगी कि हर वेबसाइट पे आपको एक ऐड ज़रूर देखने को मिलती है। वह आपको एक आकर्षक डील्स, आकर्षक सामानों की लिस्ट दिखाती है, जिसे आप चाहो ना चाहो एक ना एक बार आप ज़रूर क्लिक कर देते हो। और वह, जैसे ही आप क्लिक करते हो, उस वक्त आप पूरी तरह से सेफ होते हो, लेकिन वह आपको लालच देता है कि आप अपने ज़रूरी डिटेल्स को फिल कीजिए, आप हमारे मेंबर बन जाओगे और आपको 500 रुपये, 1000 रुपये प्रतिदिन, या फिर मंथ में आपको 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये मिल सकते हैं। और वह आपका ज़रूरी डेटा जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपका लोकेशन मांगता है। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें आप फिल कर देते हो, वैसे ही आप उसकी गिरफ्त में आते हो। एड्रेस यानी लोकेशन का ज़रूरी तो उसे नहीं पड़ता है, क्योंकि वह आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जहां पर आपका एक्टिव है, उससे वह पता लगा लेता है। लेकिन मेन आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जैसे ही आप उसके वेबसाइट पर डालते हो, वह वैसे ही आपको हैक कर लेता है। वह वेबसाइट हैकर्स के द्वारा प्लांटेड होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील की होती है कि आपका इम्पोर्टेंट डेटा को उसके पास सेल कर दें। वह उसके लिए करोड़ों रुपए
उन कंपनियों से लेते हैं, उनमें से एक हो सकता है कि गूगल भी हो। दोस्तों, इसकी पुष्टि तो पूरी तरह से नहीं हो पाई है कि गूगल क्या सच में दूसरी दूसरी कंपनियों से डेटा चोरी करने को कहता है या फिर खुद डेटा चोरी करता है। क्या आपको लगता है? अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इन सबसे बचना चाहते हो तो इसके बारे में ज़रूर जान लो। आपने कभी भी मोबाइल में किसी भी आए हुए लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, क्योंकि उससे आपका इम्पोर्टेंट डेटा जा सकता है। फालतू ऐप्स, जैसे कि जो ऐप्स की आपकी ज़रूरत ना हो और जो ऐप ट्रस्टेड ना हो, थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज ना करें, क्योंकि वह मॉडिफाइड की होती है, उसमें अलग अलग तरह की लिंक्स दी होती है जिससे आप उनका शिकार बन सकते हो। तीसरा, कभी भी किसी भी अननोन वेबसाइट पर अपनी जरूरी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कभी भी ना दें, इससे आप बड़े खतरे में पड़ सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।